नमस्कार स्टूडेंट्स, परीक्षाएं कब होंगी इसकी चिंता को छोड़कर आज कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं नया बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर करें। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साईं कॉलेज भिलाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको मैं सुझाव दूंगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहे जब हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल में डालेंगे। स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है कॉलेज स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर इस लॉकडाउन के समय। स्टेट गवर्नमेंट उच्च शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल तैयार किया है जिस पोर्टल में वो जितने भी कोर्सेज हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, इन सभी कोर्सेज के सभी विषयों पर एक्सपर्ट लेक्चरर्स के द्वारा, एक्सपर्ट प्रोफेसर्स के द्वारा ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल, वीडियोस और अन्य फॉर्म में इस पोर्टल में वो अपलोड करेंगे। ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल तैयार करने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, एक्सपर्ट टीचर्स लगे हुए हैं ताकि आप तक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पहुंच सके। तो मैं इस पोर्टल के बारे में आपको बताऊंगा। मेरा अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके और स्टूडेंट्स इस पोर्टल में एनरोल कर सकें। हम सबसे पहले आपको इस पोर्टल का नाम बताते हैं। इस पोर्टल का नाम है cgschool.in। cgschool.in में अपना पंजीयन करना बहुत ही आसान है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको पंजीयन करके दिखाऊंगा। जब आप cgschool.in को खोलेंगे तो इस प्रकार का होम पेज दिखेगा आपको, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी पंजीयन के अंदर आप जाएंगे। सबसे पहले विद्यार्थी पंजीयन में जब आप जाएंगे तो आपसे शिक्षा का प्रकार चुने के ऑप्शन आएगा, जिसमें आप महाविद्यालय शिक्षा को चुनेंगे। तत्पश्चात अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, देन यू हैव टू एंटर योर नेम, अपना नाम एंटर करेंगे निर्धारित स्थान पर। अपना ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने जिले को चुने। जिला दुर्ग चुनने के बाद पता के स्थान पर आप अपना पता डालें। नीचे दो बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें आपको पासवर्ड एंटर करना है। पहले बॉक्स में आप पासवर्ड डालेंगे, दूसरे बॉक्स में पासवर्ड को रिपीट करेंगे। तो पहले बॉक्स में कोई भी एक पासवर्ड चुनें और दूसरे बॉक्स में उसी पासवर्ड को, सेम पासवर्ड को रिपीट करें, देन पंजीयन करें पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, विद्यार्थी की प्रोफाइल सुरक्षित हो गई है, विद्यार्थी का लॉगिन बन गया है। ओके पर क्लिक करें, वापस आप इस पेज पे आ जाएंगे। देन पेज के राइट टॉप कॉर्नर में लॉगिन है, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। आपसे आपके 10 अंकों का मोबाइल नंबर पूछा जाएगा जो आपने पंजीयन के समय एंटर किया था। उसके बाद आपको अपना जो पासवर्ड आपने पंजीयन के समय डाला था उस पासवर्ड को यहां एंटर करें। देन लॉगिन पे क्लिक करें। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो एक पुल डाउन मेन्यू आएगा जिसमें अलग अलग कक्षाओं के नाम हैं, जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, बीएससी सीएस और बीएससी आईटी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर। जैसे ही आप कोई कक्षा को चुनेंगे, कक्षा को चुनने के बाद आप तक उसके बगल वाले जो मेन्यू है, जैसे हमने बीएससी फर्स्ट ईयर चुना तो उसके बगल में एक मेन्यू और खुल जाएगा, विषय चुने। विषय चुने मेन्यू में आपको उस कक्षा के निर्धारित सभी विषयों की सूची आ जाएगी। इस सूची के माध्यम से आप विषय चुन सकते हैं। विषय चुनने के बाद आपको जो भी उस विषय में एक्सपर्ट्स द्वारा अपलोडेड वीडियोस हैं या ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है वो आप देख सकेंगे। इस पोर्टल को, इसकी जानकारी अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, रेगुलर और प्राइवेट, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड का आप अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। गवर्नमेंट द्वारा इस पोर्टल में बहुत जल्द ही सभी सब्जेक्ट्स के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल डाला जा रहा है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।